वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने फ़ोन को स्क्रीन करना चाहते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या प्रोजेक्टर के ऊपर। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया है, बट दिस मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें कि पूरा HD क्वालिटी का स्ट्रीमिंग जो है आपके मोबाइल फ़ोन का जो है आपके लैपटॉप पे होता है। हो सकता है आपने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है उनको इस्तेमाल किया हो, जैसे वॉइसर है, लेकिन वॉइसर का प्रॉब्लम ये है कि उसमें फुल सपोर्ट नहीं मिलता है। एयरड्रॉइड है, एयरड्रॉइड में भी हमें जो है वो वाईफाई का सपोर्ट जो है वो लेना पड़ता है, और अगर आपका वाईफाई कम है तो उसमें प्रॉब्लम है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये CSR CPY जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे के सारे फीचर फ्री हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना होगा SERCPY, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, और उसके बाद इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। ये GitHub पे अवेलेबल है, जितने भी ओपन सोर्स होते हैं वो आपको पता है कि GitHub पे मिलते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है गेट द ऐप। यहाँ लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडो के लिए भी अवेलेबल है, और मैक के लिए भी अवेलेबल है। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अभी मैं विंडो का ही ले रहा हूँ, तो यहाँ आपको क्लिक करना है जिप फाइल में तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको डाउनलोड्स में दिख जाएगा, वहाँ पे अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको सी ड्राइव में करना होगा। तो यहाँ ब्राउज में क्लिक करिए, सी ड्राइव में जाइए, और सी ड्राइव में जाके आपको एक नया फोल्डर बनाना होगा बिल्कुल इसी नाम से, ताकि आपका सारा का सारा जो है वो वहीं पे जो है आपको मिल जाए, सारा का सारा सॉफ्टवेयर वहीं पे मिल जाए। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर आप बनाएंगे सेम नाम का, और इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आपका सारा जो है यहीं पे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट होने दीजिए, और उसके बाद आपको अपना जो फ़ोन है उसको आप कनेक्ट करिए अपने लैपटॉप या मोबाइल से। यहाँ देखेंगे सारा का सारा सॉफ्टवेयर यहीं पे है, लेकिन यहाँ से आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कमांड से चलेगा, वो भी हम आपको दिखा देंगे। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको ऐसा करना होगा। अब अपने फ़ोन में आप जाइए और लास्ट में स्क्रॉल डाउन करेंगे सेटिंग में, तो अबाउट फ़ोन में क्लिक करिए और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाइए। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो दिख रही हैं। बिल्ड नंबर है, उसके ऊपर 5-7 बार आप क्लिक करेंगे और फिर एक मैसेज पॉपअप होगा कि अब आप डेवलपर के ऑप्शन में आ गए हैं। तो बस इतना ही आपको करना है, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में ही नीचे जाके आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो आप सर्च में करिए डेवलपर ऑप्शन और उसमें जाइए। बेसिकली आपको क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन में जितने भी बटन हैं उनको ऑन करना है, ताकि वो आपका USB जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसको डीबग कर सके। तो नीचे स्क्रॉल करिए, USB के ऑप्शन में जाइए और इन सब बटन को जो है वो आप ऑन करिए। 1-to-1 जो भी आपको कंडीशन मांगी जाती है उसको एलो करिए, ये आपको सिर्फ वन टाइम ही करना है। और इसको करने के बाद आप जो है वो वापस उसी फोल्डर में जाएंगे यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर जो है उसको पेस्ट किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो इसका एड्रेस है ऊपर वाला, यहाँ क्लिक करना है और इसको Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेना है। बस ये एड्रेस हमें चाहिए होगा, और विंडो की जो सर्च बार है उसमें जाना है और आपको टाइप करना है CMD। आपका कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आप, और ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाए वहाँ पे CD लिखना है और स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोबारा से SERCPY लिखना है, और आप देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्क्रीन पे आ गया है, और ये पूरा HD क्वालिटी का है और ये फुल स्क्रीन में आ सकता है। देखिए, अब जो मैं अपने फ़ोन पे करूँगा वो वहाँ पे दिखाई देगा, और पूरा का पूरा इसमें सबसे अच्छी बात ये है, मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ट्राई किए हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पूरा HD क्वालिटी का स्ट्रीमिंग बहुत अच्छा है,
और आप चाहें तो वहाँ पे कोई भी ऐप खोलिए, जैसे मैंने अमेजोन खोला है। अभी इसको हॉरिजॉन्टल पे भी करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे जो है वो आ जाएगा। आप भी इसको ट्राई करिए, अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप उसको नीचे लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। सो थैंक यू वेरी मच।